योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जुड़ना। योग के मूल रूप से दो अर्थ माने गए हैं, पहला जुड़ना व दूसरा समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते, तब तक समाधि के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। यह सिर्फ व्यायाम भर नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित शारीरिक क्रिया है। इसमें मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का एक दूसरे से मिलन होता है, साथ ही मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य भी बनता है। यह जीवन को सही तरीके से जीने का एक मार्ग बताता है व एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति बनता है। यह चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकता है एवं उसे एक स्थान पर स्थिर रखता है। योग तीन स्तरों पर काम करते हुए व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकता है। पहला, शरीर को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। दूसरा, मस्तिष्क व विचारों को सकारात्मक बनाता है। वह तीसरा एवं महत्वपूर्ण चरण, यह मनुष्य को चिंता मुक्त कर देता है।